मैं यतिवर्य कुमार विजय इस वीडियो में आपको घर के अंदर लक्ष्मी रहे और लक्ष्मी का वास रहे, आपका पर्स हमेशा भरा रहे और आपको अगर प्रमोशन ना मिल रहा हो या आपका ट्रांसफ़र आपके मनचाहे स्थान पर नहीं हो रहा हो तो मैं कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिसको आप करेंगे तो इसका निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को सबसे पहले आप पोस्ट होते ही देखें। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर घर में धन की कमी रहती हो और आय कम हो, खर्च अधिक हो, तो माँ लक्ष्मी की फोटो या मूर्ति के आगे हमेशा घी का दीपक जलाएं, खुशबूदार अगरबत्ती करें और एक नारियल जिस पर कामिया सिंदूर से स्वस्तिक बनाए उस पर चावल अर्पित करके पूजन करें और उसको मंदिर में रख दें। उस नारियल पर रोजाना सवेरे नहा धोकर कुंकुम के तिलक करें, टीका लगाएं और उसको चावल अर्पित करें और धूप दीप दियावती अगरबत्ती करें और माँ लक्ष्मी का श्री सूक्त का पाठ और श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ कम से कम दो दो बार वहीं एक स्थान पर बैठकर करें तो जल्दी ही आपके घर के अंदर कैसा भी खर्च हो अनावश्यक रूप का वह रुक जाएगा और पैसा भी आपके घर में बचना शुरू हो जाएगा। अब इसमें ऐसा है कि अगर आपको अचानक बड़े बड़े खर्चे आ जाते हैं या उधार लेने की नौबत आ जाती है तो आप एक काम और कर सकते हैं कि घर से निकलते समय कोई पूर्णिमा के दिन एक दिन हनुमान जी के मंदिर घर से निकलते समय आप हनुमान जी के मंदिर जाएं और वहां पर एक तेल का दीपक जलाकर रख दें और वापस पीछे मुड़कर ना देखते हुए आप एक बार अपने घर पर आ जाएं और घर पर दो मिनट शांति से बैठकर फिर अपने काम पर जाएं। आपका वह काम निश्चित रूप से सिद्ध होगा। विष्णु और लक्ष्मी इन दोनों को हाथी बहुत प्रिय है। विष्णु के पास ऐरावत हाथी है और वो ऐरावत हाथी महालक्ष्मी माता को जल अर्पण करते हैं या जल चढ़ाते हैं। इस प्रकार की कोई फोटो अगर आपके पास हो तो उसको घर के मंदिर में मुख्य स्थान देते हुए हमेशा पूजन करें और उनको कुंकू चावल और केले का हमेशा भोग लगाएं तो महालक्ष्मी माँ आपके प्रसन्न हो जाएगी और उनकी कृपा आपके ऊपर रहेगी। समुंदर मंथन में ऐरावत हाथी प्राप्त हुआ था। उसका रंग सफेद था इसलिए घर के अंदर अगर आप ठोस चांदी या सोने का हाथी बनाकर रखते हैं तो यह घर में सुख शांति और लक्ष्मी का साक्षात वास करे ऐसा शुभ फल प्रदान करता है। राहु की अशुभ स्थिति को भी यह कम करता है और कुछ लोग इस प्रकार का चांदी, ठोस चांदी का या सोने का हाथी बनाकर अपने पास बैग में, सूटकेस में, पर्स में भी रख सकते हैं। इसका भी आपको शुभ फल प्राप्त होगा। अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है और या आपको आपके मन चाहे स्थान पर
ट्रांसफ़र या स्थानांतरण नहीं हो रहा है तो आप एक काम करें, घर से बिना चप्पल पहने हुए कुछ दूर गार्डन में जाएं, या घर के अंदर गार्डन हो तो कुछ देर उस गार्डन में टहलें और किसी भी गुरु को या गुरु मंदिर में जाकर गुरु की मूर्ति को पीले रंग की या सफ़ेद रंग की शॉल उनको भेंट कर देवे और उनके चरणों में चंदन से अंगूठे की पूजन करके आप प्रार्थना करें कि आपका प्रमोशन हो जाए या जहां आप ट्रांसफ़र चाहते हैं वहां आपका ट्रांसफ़र हो जाए। अगर आप ऐसा नियमित करना शुरू करते हैं तो जब आपका ट्रांसफ़र का या प्रमोशन का टाइम आएगा तो चाहे कितना भी देर से रुका हुआ ट्रांसफ़र हो या प्रमोशन हो, वह निर्धारित समय पर आपको अपने मन चाहे रूप में प्राप्त हो जाएगा। यह सारे काम अगर आप किसी से जानकारी प्रदान करके करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका पूरा फल प्राप्त होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई सवाल करना है तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कम शब्दों में अपना सवाल लिख सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। जय जिनेंद्र।